हाय गाइस, हमारे पास एमआई का एक मॉडल फोन आया है। इसे मॉडल नंबर रेडमी गो है। इसे नेटवर्क प्रॉब्लम है, जो 2G का नेटवर्क बहुत अच्छा आ रहा है और 3G 4G का नेटवर्क बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। आज की वीडियो में मैं सोल्व करके इसे बताऊंगा, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर कर पाएंगे अपना फोन। मैं डायग्राम के जरिए से मैं अच्छे से बताऊंगा, जिससे किस रजिस्टर से किस रजिस्टर तक कहां से संपर्क करना है, जो नेटवर्क की आईसी होती है वहां तक सप्लाई कैसे पहुंचेगा। मैं मल्टीमीटर चेक करके भी बताऊंगा, जिससे आप अपना फोन बहुत आसानी से स्पष्ट तरीके से, अगर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो भी आप आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। मैं यही पकड़ के चल रहा हूँ कि आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, हमारी वीडियो आप पूरी देखना है तो फिर आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी समस्या को सोल्व करने की। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। जो 3G 4G नेटवर्क प्रॉब्लम है वो फोन ये है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा मॉडल है। सेटिंग में जाते हैं, अबाउट में जाते हैं, फिर देखते हैं इसका। ये रेडमी गो है, इसे मॉडल नंबर रेडमी गो लिखा हुआ है। इसमें 3G 4G का नेटवर्क नहीं आ रहा है, 2G का नेटवर्क बराबर तरीके से आ रहा है पर 3G 4G नहीं पकड़ रहा है। ये चीज सोल्व करने के लिए हमें इस सेट को खोलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, फटाफट इसे खोल लेते हैं। सेट को खोलने से पहले हमें इसका जो सिम का ट्राली है दोनों को बाहर निकालना पड़ेगा। इसे फटाफट करके बाहर निकाल लेते हैं। फिर हम अपने नाखून की मदद से इसे हल्के हाथों से खोलिए, बहुत आराम से निकल जाएगा, कोई भी थोड़ा सा भी परेशानी दिक्कत नहीं आएगा, बहुत आसान है इसे निकालना। ये देख सकते हैं बहुत आराम से निकल गया है ये। अब मैं इसमें स्पष्ट तरीके से बताऊंगा नेटवर्क की आईसी कौन सी है, नेटवर्क का काम जो है 3G 4G का काम कौन सी आईसी कर से होता है, या फिर जो हमारे फोन में सर्वर आता है इसका काम कौन से आईसी का है, मैं स्पष्ट तरीके से इसे बताऊंगा आपको। इससे पहले ये सेट में किसी ने इससे पहले काम किया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्पर सब लगा है, ये एल्टीना में इसके भी कोई छड़छाड़ किया है। इसे हल्के हाथों से इसे निकाल लीजिए, रिमूव करिए हल्के हाथों से, बल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। सेट अगर सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, अगर सेट सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसे थोड़ा सा साफ कर देते हैं, फिर देखते हैं प्रॉब्लम किस जगह पे है। ये सेट में इससे पहले किसी ने रिपेयर कर चुका है एक बार, बट सही नहीं हुआ। देखते हैं, मैं सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर सोल्व हो जाता है तो आप हमें स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर पाएंगे अपना भी, अगर इस तरीके से प्रॉब्लम है। आप ये देख सकते हैं ये जो आईसी है ये 3G 4G 2G ये तीनों काम करता है ये आईसी। और जो हमारे फोन में सर्वर आता है यानी नेटवर्क जो हम देखते हैं अपने फोन में, वो इस आईसी का काम होता है। अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो इस आईसी में प्रॉब्लम है, अगर 3G 4G नहीं काम कर रहा है तो इस आईसी से प्रॉब्लम है। आपको देखना है कि प्रॉब्लम हमारे फोन में किस तरीके से प्रॉब्लम है। फिर भी आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम हमारे फोन में है, अगर आप इस तो फिर आप इसे बिल्कुल नहीं सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रॉब्लम हमारे फोन में क्या है, उसी तरीके से जिस जगह इसे मल्टीमीटर से पहले मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ कहाँ पे जैसे 3G 4G का नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो इसके मतलब उस आईसी जो आईसी में दिखा था उस आईसी तक करंट नहीं पहुंच रहा है। जो रजिस्टर है रजिस्टर को मैं एक एक करके चेक कर रहा हूँ, ये रजिस्टर में करंट नहीं आ रहा है, इसके मतलब इस रजिस्टर से होके
उस आईसी तक 3G 4G का जो आईसी है वहां तक करंट जाता है, तो इस आईसी से यहां से होके उस आईसी तक करंट नहीं, सप्लाई बिल्कुल भी नहीं काम करता है। ये सप्लाई को मैं जम्पर करके मैं बताऊंगा, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल बहुत आसान तरीके से। यहां पे मैं उस रजिस्टर को मैं दिखा देता हूं किस जगह से आपको जम्पर करना है। ये जो रजिस्टर आप देख रहे हैं, इस रजिस्टर के नीचे यानी कि राइट साइड से नीचे वाले हिस्से में प्लस वाले पॉइंट पे, और जो आगे का पॉइंट है वो ग्राउंड होता है, जो नीचे का राइट साइड में है ये प्लस का है। यहां से एक सिरा जम्पर यहां पे करिए, मैं अच्छे से इस आईसी को पहले दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम ना हो जम्पर करने में, और कहीं इस जगह के बजाय दूसरे जगह आपने जम्पर कर दिया तो काम नहीं करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर पे राइट साइड में नीचे वाले हिस्से पे हमें जम्पर करना है, फर्स्ट वाला राइट साइड में। मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा, बिल्कुल भी आप को परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है या समझ में नहीं आया। डायग्राम मैं अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा डायग्राम के जरिए से। फिर वहां से दूसरा सिरा जम्पर ले उठाना है, दूसरा सिरा हमें इसके नीचे ये जो रजिस्टर है ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसके नीचे ये रजिस्टर है, यहाँ पे दूसरा सिरा हमें इस जगह पे जम्पर करना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा सिरा हमें इस जगह करना है जम्पर। ये दोनों जम्पर इस जगह से दोनों जम्पर सही तरीके से आपको करना है। किसी और डायबोर्ड में या जो रजिस्टर है किसी भी रजिस्टर में अगर टच हो जाएगा, ये डायग्राम आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, जिसे आप बहुत आसानी से जम्पर कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम, हमें उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें उम्मीद है कि आपकी ये जम्पर कंप्लीट भी हो गया होगा। जैसे हमारा ये जम्पर कंप्लीट हो गया है, मैं जम्पर कर दिया हूँ, अभी से सेट को हमें ऑन करना पड़ेगा चेक करने के लिए। सबसे पहले मल्टी मीटर से चेक कर लेते हैं कि जो जम्पर हमने किया है इसका सप्लाई यहाँ तक पहुँचाने के लिए, या सप्लाई यहाँ तक आया है, वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले सप्लाई चेक करेंगे। यहाँ तक यह सप्लाई बिल्कुल ही सप्लाई आ रहा है जितना आना चाहिए, उसे 4 पॉइंट आना चाहिए, 4 पॉइंट से 6 पॉइंट से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, और 6 पॉइंट है कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे जितने भी मदरबोर्ड है पूरे मदरबोर्ड में 6 पॉइंट तक ही करंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा करंट नहीं आएगा, हमें ये पता है। इसका सप्लाई आ रहा है, या आप देख सकते हैं फ्रेंड कि अगर 3G 4G का वो नेटवर्क आईसी का प्रॉब्लम है, इस आईसी का अगर 2G 3G 4G का नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। अगर सर्वर नहीं आ रहा है आपके फोन में, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो उसके जो साइड में ये बड़ी वाली आईसी नीचे लगा अल्टीना के पास, इस आईसी से प्रॉब्लम है। इस सेट को ऑन करके देखते हैं फिर क्या जो हमने ये मेहनत किया है, मेहनत हमारा सक्सेसफुल हुआ या नहीं। इसे ऑन करते हैं फटाफट, लॉक खोल देते हैं। इसमें नेटवर्क तो नहीं आया अभी, इससे पहले तो देखते हैं 2G का नेटवर्क है, सिर्फ वोडाफोन लिखा हुआ है 2G का नेटवर्क है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों नहीं आया ऐसा। वॉसेट इसका जम्पर नीचे वाला का जो दूसरा सिरा का जम्पर है, ये जम्पर टूटा है, छूट गया है, दोबारा से जम्पर हमें करना पड़ेगा। हमें लगता है कि इसी कारण से ये दोबारा मल्टीमीटर से मैं चेक कर रहा था तभी शायद ये टूटा है, दोबारा से कोई बात नहीं, मैं दोबारा से इसे ज्वाइंट कर देता हूँ इस जगह पे। दोबारा से चेक करते हैं इसे फटाफट, इस जम्पर दूसरा सिरा का जम्पर करके फिर चेक करते हैं।
ये जम्पर हमारा कंप्लीट हो गया है, अब इस सेट को दोबारा ऑन करते हैं। सेट ऑन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, लॉक खोलते हैं, वो सेट गुड। सेट हमारा बाद में ऑन हुआ, 4G का नेटवर्क सबसे पहले सेट में आ गया। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सेट बाद में ऑन हुआ, 4G का नेटवर्क पहले स्क्रीन पर शो हो गया। इसके मतलब जो हमने मेहनत किया है, हमारा मेहनत बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। आप देख सकते हैं ये फोन वही फोन है, मॉडल नंबर रेडमी गो है। मैं इस तरीके से आपको मैं दिखाता हूँ, जो हमने जम्पर किया है, यहाँ से उठा के जम्पर यहाँ किया है, जो मैं डायग्राम में भी आप देख चुके हैं। और मैं एक बार बता देता हूँ, 3G 4G का जो नेटवर्क का IC है, वो IC वही है जो 3G 4G का काम करता है हमारे सेट में, वो IC का काम है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी तरह की अगर आप प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप हमारी वीडियो कमेंट के नीचे कर सकते हैं, किसी भी तरह के सवाल कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।